आपने मेरा 10th तक का स्कूल तो देखा, टाटा डीएवी, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ 10+2 मैंने यहाँ से किया था, डीएवी मॉडल स्कूल अधिक नंबर 12 है। और ये सबसे पहला वाला जो बंगलो है, इसमें मेरी फ्रेंड रहती थी सदाफ एंड सबा। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे बहुत मस्ती हुई है, डांस प्रैक्टिस यहाँ पे करते थे, हमारी डांस टीचर यहाँ पे रहती थी मनप्रीत मैम। तो सबा एंड सदाफ अगर वीडियो देख रही होगी तो तुम्हें तो पता ही होगा इस जगह से कितना अटैचमेंट है। ये वीडियो स्पेशली तुम लोगों के लिए भी डेडिकेटेड है। Light me up with a bright smile on now. Put me in the dark, so won't get lost now. To the moonlight, I see you. आपने मेरा 10th तक का स्कूल तो देखा, टाटा डीएवी, और आज मैं आपको दिखा रही हूँ 10+2 मैंने यहाँ से किया था, डीएवी मॉडल स्कूल से। ये सबसे ऊपर वाली जो आपको बालकनी दिख रही है ना, वहाँ पे हमारा क्लासरूम हुआ करता था। और ये स्कूल से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, मतलब 2 मैंने यहाँ पे इतनी मस्ती में की है ना, ऐसा लगता था मैं कॉलेज लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। और पीछे जो गार्ड अंकल, ये काफ़ी पुराने हैं, बहुत पुराने हैं। और सामने ये आपको डिनोपली स्कूल दिख रहा है, और ये यहाँ पे मेरा डीएवी मॉडल स्कूल। और इधर से ही आगे रास्ता जो जाता है चंदन क्यारी की तरफ भी जाता है। ज़्यादा वीडियो नहीं ले पाई क्योंकि लॉकडाउन की वजह से अंदर जाना अलाउड नहीं था। इसके बाद मैं यहाँ से लौट रही हूँ एक और जगह जाने के लिए, वहाँ की भी यादें बहुत ही प्यारी है, बहुत सारी यादें हैं। और ये रास्तों पे आकर के ऐसा लगा कि वो स्कूल का बैग टांगे हुए मैं वापस से ऑटो से उतर रही हूँ, एक अलग ही फीलिंग थी। बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, मतलब इस छोटे से वीडियो में क्या ही बता पाऊँगी। और ये जो स्कूल आपने देखा, ये कार्मल स्कूल था, और कार्मल स्कूल से ठीक ये रास्ता स्ट्रेट मैं बाहर निकली हूँ। मैं जा रही हूँ अभी डिगवा डिग नंबर 12। ये सामने आप देखिए, ये सीएफआरआई गेट है। तो चलिए अंदर चलते हैं, ये डिगवा डिग नंबर 12 है। और ये सबसे पहला वाला जो बंगलो है, इसमें मेरी फ्रेंड रहती थी सदाफ एंड सबा। ये सारा आपको जो दिख रहा है, ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, यहाँ पे पूरे टाटा कंपनी के ही सारे लोग रहते हैं। और इधर दुर्गा मंडप है राइट हैंड साइड में, ये जो आप देख रहे हैं गेट। यहाँ से बहुत सारी यादें जुड़ी हुई हैं, यहाँ पे बहुत मस्ती हुई है, डांस प्रैक्टिस यहाँ पे करते थे, हमारी डांस टीचर यहाँ पे रहती थी मनप्रीत मैम। तो सबा एंड सदाफ अगर वीडियो देख रही होगी तो तुम्हें तो पता ही होगा इस जगह से कितना अटैचमेंट है। ये वीडियो स्पेशली तुम लोगों के लिए भी डेडिकेटेड है, जैसा कि मैंने बोला था कि मैं वीडियो बनाऊंगी। ये जगह बहुत ही नीट एंड क्लीन है, क्योंकि टाटा कंपनी के अंदर आता है तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस इसमें की हुई रहती है। आप देख ही सक रहे होगे सारे रास्ते कितने नीट एंड क्लीन दिख रहे हैं। मैं मम्मी से ना रिक्वेस्ट करके यहाँ सदाफ के घर आती थी, और सदाफ के घर आने पे इतने टेस्टी टेस्टी खाने को मिलता था। और हमारे पास उस टाइम पे फ़ोन नहीं होता था, तो मैं मेरे घर के सामने जो प्लांट्स हैं, टाटा का जो प्लांट्स है, वहाँ पे गेट पे ना वो टेलीफोन रखा रहता जो, तो ट्रिंग ट्रिंग वाला जो घुमा के हम लोग पहले के टाइम पे करते थे, मैं उससे छुप छुप के जाती थी और सदाफ को फ़ोन किया करती थी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बचपन हम लोगों ने जो है ना बहुत अच्छे से बिताया है। सबके बचपन बहुत ही अच्छे होते हैं, बट आज का जो बचपन होता है बच्चों का, वो एडवांस लेवल का होता है। और हमारे टाइम पे तो भाई मुझे ग्रेजुएशन के बाद ही फ़ोन मिला था, वो भी मैं अपने सेविंग से ली थी। तो याद आता है कि कैसे हम लोग एक दूसरे से, फ्रेंड से बात करना हो तो स्कूल में ही बात करते थे। तो यहाँ से मैं रिटर्न हो रही हूँ वापस, बहुत सारी यादों को अपने साथ फिर से लेके जा रही हूँ। बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू भी है, पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है सारी ये जो जगह है। और ये जो अभी रोड पे मैं निकली हूँ, इसे कहते हैं डिगवा डिग नंबर 10। तो मेरे बहुत सारे स्कूल्स के फ्रेंड जो हैं, ये वीडियो देखेंगे तो उन्हें ये व्यू समझ में आएगा।
ये फूस बंगला मोड़ में एक मिठाई का शॉप था, तो बचपन की यादों में इतनी ज़्यादा मैं खुश हो गई कि ये मोदक जो आप सिंघाड़े के शेप में देख रहे हो, ये मैंने यहाँ से लिया और घर आके मैं एंजॉय की हूँ मोदक। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। टाटा।